लोकसभा चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहे हैं वैसे वैसे ही उम्मीदवार भी अब अपना चेहरा चमकाने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की। जनता दल यूनाइटेड इस वक्त एनडीए का एक हिस्सा है और अमित शाह के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग की बात कर ली है। कुछ दिन पहले किस तरह से प्रेस वार्ता हुआ था उस प्रेस वार्ता से भी हमने आपको रूबरू कराया है, लेकिन अब हम सीट बाय सीट आपको बताएंगे कौन सा उम्मीदवार कहाँ पर किससे भारी पड़ेगा। ये तो आप जानते होंगे, हम बात कर रहे हैं सुपौल की। 2014 में रंजीता रंजन वहाँ पर जीत चुकी थी, लेकिन सेकंड पोजीशन पर रहे थे वहाँ पर दिलेश्वर कामत जी। इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, 2014 में जब आप चुनाव लड़े थे उस वक्त क्या था मुद्दा, क्यों रंजीता रंजन उस वक्त जीत गई थी? एक्चुअली वहाँ माय समीकरण था जी, और बीजेपी और जेडीयू जो था ये अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे जी। और ख़ास करके बीजेपी में जो वोटर्स और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो खास करके जेडीयू के ही कार्यकर्ता उसमें गए थे जी। फलस्वरूप हमारे जेडीयू का कार्यकर्ता बीजेपी में जाने से जो है शक्तियाँ थी वो बट गई, घट गई। वो जो हाँ, हम लोगों की जो शक्तियाँ थी दो भाग में विभक्त हो गई जी। फलस्वरूप बहुत कम ही वोट से हम हारे थे। दिलेश्वर कामत जी के बारे में हम आपको एक बात बता दें, 2009 में जब उपचुनाव हुआ था तब जदयू ने इन्हें मौका दिया था और उस वक्त ये विधायक में जीत गए थे, पिपरा विधानसभा की बात कर रहे हैं हम। और 2010 में फिर से इन पर जदयू ने भरोसा जताया था और 2010 में भी ये अपने उम्मीदों पर खड़े उतरे थे। हालांकि 2014 में जदयू और भाजपा का विभाजन हो गया था, उस वक्त हाथ नहीं आई थी जीत, क्योंकि जो शक्तियां थी वो बट गई थी, ऐसा कहना है दिलेश्वर कामत जी का। उनसे हम और इस बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं 2019 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, दिलेश्वर कामत जी को सुपौल से जदयू का टिकट फिर से मिलेगा, और इस बार सर तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? देखिए, टिकट जहाँ तक मिलने की बात है ये तो हाईकमान पर निर्भर करता है। जेडीयू के जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, आप वहाँ पर सबसे प्रबल दावेदार हैं जो सुपौल से विपक्ष को टक्कर दे सकता है। ये बात तो सही है, सुपौल में के लिए तो लोकसभा के लिए हम प्रबल दावेदार हैं और मेरी जीत भी उसमें सुनिश्चित है, इसलिए कि वहाँ हमारे जो वर्ग के लोग हैं खास करके अति पिछड़ा क्षेत्र है और अति पिछड़ा की आबादी वहाँ लगभग रखिए जो 65% का ये है जी। अति पिछड़ों की बात करती है कांग्रेस, हम कांग्रेस की राजनीति पर भी आते हैं क्योंकि वहाँ से वो सीट कांग्रेस की है, रंजीता रंजन वहाँ की सांसद हैं। क्या रंजीता रंजन जब से सांसद बनी है अति पिछड़ों की आवाज़ उन्होंने उठाई है? उसने उस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, सारे लोग उस क्षेत्र के उनसे काफ़ी अनवाइड है और अति पिछड़ा ही क्या, किसी वर्ग के लिए उस क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है जी। लोगों को ठगने का केवल काम किया है। क्षेत्र में वो नजर आती हैं या नहीं आती हैं? कभी कभी जाती है, जिससे लोग काफ़ी दुखी हैं, जो जीत जाने के बाद कभी कभी आती है, अक्सर वो आती ही नहीं है। चलिए, विपक्ष की बातें तो बहुत हो गई, अब हम दिलेश्वर कामत जी की बात करेंगे। 2009 में आप जीते, 2010 में आप जीते, 2014 में हालांकि जीत हाथ नहीं लगी, लेकिन फिर भी जनता के बीच आप अभी भी जाते हैं, बैठते हैं? मैं हमेशा सभी क्षेत्रों में जाता हूं और आज से नहीं, हारने के बाद भी मैं सभी गाँव पंचायत तक जाता, पंचायत गांव प्रखंड और जिला तक घूमता रहता हूँ। जब विधायक लोग भी जाते थे? हाँ हाँ, उसमें तो बराबर जाता ही था, लेकिन उसके बाद भी मैं सभी क्षेत्रों में घूमता रहता हूँ, पूरे जिला का भ्रमण करता हूँ, लोगों की जो समस्या है उनसे अवगत करता हूँ, उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। तो इस तरह से समाज सेवा का जो काम है मैं करते आ रहा हूँ और लोग काफ़ी उससे खुश हैं। आजकल लगातार जदयू सरकार पर हमला बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, कांग्रेस भी लगातार हमला बोल रही है, क्या लगता है आपको ये सिर्फ बिना मुद्दों की राजनीति हो रही है? वो मुद्दा उनका कुछ नहीं है, केवल राजनीति कर रहे हैं, मुद्दा का कोई सवाल ही नहीं उसके पास है जी। वो राजनीति करते हैं और उनका कहाँ अस्तित्व है, कुछ नहीं, अस्तित्व नहीं है जी। जदयू इस चुनाव में अपने आप को कहाँ देखती है 2019 में, क्या वो जीत हासिल कर पाएगी? एकदम हमारे बिहार में एनडीए की का जो दल है, एनडीए का जो कैंडिडेट होगा 40 सीट पर चालीसों सीट एनडीए के झोला में जाने वाला है। चलिए, दिलेश्वर कामत जी का ऐसा कहना है कि 40 सीट एनडीए की सीट में जाएगी। अब हम बात करते हैं सुपौल सीट की, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। सुपौल में ऐसा माना जा रहा है आपका टिकट कंफर्म है, इस कारण से मीडियाज अब आपसे मिलेंगी ही और आपसे बातचीत होगी, ऐसे कौन सा मुद्दा है जिसे लेकर दिलेश्वर कामत फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, सीट कन्फर्म है कि क्या है ये तो हमारे हाईकमान बताएंगे जी। ये पार्टी का मामला है जी। पार्टी
जिसको नाम नॉमिनेट करेगी, जिसको प्रत्याशी बनाएगी, उसको हम लोग जिताएंगे चाहे जो हो जी। तो लेकिन लेकिन मैं, यदि दिलेश्वर कामत जी उतरते हैं तो क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो विकास का मुद्दा है, हम लोग का एक ही है, जितना विकास सुपौल में हुआ है अन्य किसी जिला में उतना विकास नहीं हुआ है, खास करके वहाँ जो हमारे मंत्री जी हैं आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, वो इतना विकास किए हैं सुपौल के गली गली सड़क, उसके बाद जो है शिक्षा के लिए प्रत्येक पंचायत में स्कूल, उसके बाद आपका स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल और तरह तरह का जितना विकास का जो काम है उन्होंने काफ़ी काम किया है और विकास के मामले में सुपौल आगे हैं। जो चीज़ बचा भी है वो विकास के लिए हम लोग तैयार हैं, विकास होगा, लोगों को यह विश्वास है, यही एक जनता दल यूनाइटेड है जो विकास कर सकती है, लोगों की सेवा कर सकती है और अन्य दल में वो क्षमता नहीं है जो इस तरह का विकास कर सके। चलिए, सुशासन बाबू और विकास पुरुष का रथ जो है वो आगे बढ़ता ही जाएगा और सुपौल में भी ये रथ नहीं रुकेगा, ऐसा कहना था दिलेश्वर कामत जी का। इस पूरे चर्चा के लिए आपका शुक्रिया, आपने समय दिया। भारत लाइव टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम हर पल हर खबर से आपको जोड़ते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।